देखने में लगता है कि ये सारा इसका जो जितने भी कनेक्शन है ये इसमें जुड़ा हुआ है और बहुत कठिन है समझना इसको, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप एक लाइन पकड़ के चलेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि किसमें क्या है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो ये रवि जी तो कर नहीं पाया क्योंकि उसको जल्दी जल्दी में गाड़ी पकड़ना था और दिन भर में वो कंट्रोलर लेकर आए थे, कंट्रोलर पे ठोकते रहते थे और ये मैं उनको बता नहीं पाया और मेरे को ध्यान भी नहीं था। अभी मैं रवि जी को भी बोलता हूँ, इसको फोटो भेज दूंगा। देखिए ऐसा है, ये एक नंबर से लेके दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, सारे ये टोटल ये 25 नंबर पिन है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और है ना, ये किसी भी तरह इस दो डायोड पे, चार पिन डायोड है तो दो पिन पे पहुंचता है, बीच वाले पिन पे। तो ये ऐसे 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 ये लकीरें भी बना रखते हैं। और दूसरे तरफ से ये जो है, यहाँ से यहाँ पे जम्पर है और ये वाला भी यहाँ पे पहुंचता है, मतलब एसी के जो वोल्टेज है यहाँ पे एसी दोनों पिन पे आना है। इधर से डीसी, इधर से डीसी, ये प्लस और ये माइनस, प्लस डायरेक्ट मॉस्फेट पे आ रहा है और बीच में कैपेसिटर भी है, लेकिन कैपेसिटर से मेन वैल्यू आप मॉस्फेट पे मानिए क्योंकि फिल्टर करना तो दो कैपेसिटर लग देगा, वो तो हो गया छोड़िए, ये मॉस्फेट पे आया। दूसरा जो निगेटिव है ये रिले पर, रिले एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच पिन का रिले है। तो इस रिले पे, एक पे तो ये मॉस्फेट का जो सोर्स जुड़ा हुआ है, दूसरे पे इसको यहाँ से जुड़ना चाहिए लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ के रिले के द्वारा जुड़ा है। तो ये रिले कौन सा है, ये रिले। तो रिले को जोड़ने के लिए, मतलब ये रिले को क्या लगाया है, इस निगेटिव को इस पे टच करने के लिए रिले को लगाया है। तो निगेटिव को चालू करना, रिले को चालू करना पड़ेगा। तो रिले को चालू करने के लिए 12 वोल्ट इस पिन पे और इस पिन पे निगेटिव लाना है। तो इसको लाने के लिए 12 वोल्ट तो डायरेक्ट इसको यहाँ से दे दिया है, मतलब डीसी की तार अगर लगा दिया मैंने तो यहाँ पे 12 वोल्ट बन जाता है। वो बनता कैसे है हमें वो बताएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे जो बनता है रिले पे, वो 12 वोल्ट इधर इधर का जो सर्किट है ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, वो चालू होगा तो बनेगा, लेकिन आएगा। लेकिन इसका जो निगेटिव है, ये ट्रांजिस्टर है डबल टू तीन पिन का, एक दो तीन, ये तीन पिन का ट्रांजिस्टर को चालू जब करेंगे तो जाके निगेटिव मिलेगा। मतलब इसके दूसरे साइड में ये निगेटिव है और इधर आउट करके रिले को देना है। पर ये ट्रांजिस्टर चालू कब होगा, जब इसके पिन पे, ये 470 ओम रेजिस्टर है, इस पिन पे ये पैनल की जो लाइन है ये पैनल पे जा रही है, मतलब इस पे जा रही है 6 नंबर पिन पे। तो पैनल चालू होगा तो रिले चालू होगा। तो मतलब कोई भी फॉल्ट हो तो पैनल खराब, इसमें ये इसका मेन टेक्निक है, पैनल खराब। और पैनल जो है ये बाबूजी है। रिले को ऑन करना है किस लिए, क्योंकि इस निगेटिव को इस निगेटिव पे पिन पे लाना है, मतलब सोर्स पे लाना है इसको टच करने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब, यहाँ टच भी कर देंगे तो भी चेक हो जाएगा, लेकिन अगर ये सही से बनाना है तो इसे ऑन करने के लिए पैनल को ठीक करना होगा, पैनल से करना है। तो पैनल ही सारा काम करता है। तो ये दोनों जब इसमें प्लस और इसमें माइनस मिल जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा तो ये मिल जाएगा माइनस, तब जाके ये दो मॉस्फेट जो चालू होगा तो इसका जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो ट्रांसफार्मर पे जाएगा। वो कैसे जाता है, ये सोर्स और ये ड्रेन इन दोनों में आपस में टच है, और टच होने के बाद ये वाला लाइन इसमें भी टच है ना, ये इसमें टच है, और ये इसमें से ये वाला भी टच है। अब ये वाला कॉइल है और ये आगे पीएफ है जो इस ट्रांसफार्मर में गया। तो ये ट्रांसफार्मर का एक साइड ये, तो ये आपको मॉस्फेट को ऑन करने के लिए रिले, मॉस्फेट को ऑन करने जो 300 वोल्ट बनता है उसको ऑन करने के लिए रिले का निगेटिव का जो ये 300 वोल्ट का निगेटिव है उसको ऑन करना पड़ता है रिले को। तो मेरा कहने का मतलब है, सारे काम जो है इस पैनल से होता है। अगर आपको इसी तरह से बारीकी से सीखना है तो हमारे पास आइए संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, और 100% आप चार्जर रिपेयरिंग, कंट्रोलर रिपेयरिंग और मोटर रिपेयरिंग सीख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मैं
ऑफलाइन में जैसे कभी कॉल करते हैं तो मैं उसमें बता दूंगा वीडियो करके कि कोई दिक्कत है तो कैसे उसका किया जाएगा ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इतनी बारीकी से बताया जाएगा कि नहीं समझने की कोई सवाल नहीं है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बिल्डिंग मशीन और लिथियम बैटरी चार्जर, मोबाइल, ईएमएमसी, ये सारा काम सिखाते हैं। कोई भी काम सीख सकते हैं, इनके सारे कंपोनेंट्स रखते हैं। ये मॉस्फेट हो या फिर ये ड्राइवर हो या ये मॉस्फेट हो 640, 3845 और इसके जो ये कॉयल है, सेंस वाली कॉयल, ये भी रखते हैं। ये ड्राइवर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये सारे रखते हैं। और आपको ये 3.3 जो वोल्ट है, इसको 3.3 वोल्ट चाहिए, उसका रेगुलेटर वो भी हम रखते हैं। और यहाँ पे जो निगेटिव में इसको मॉस्फेट ऑन करना पड़ता है, मतलब निगेटिव डायरेक्ट ऑन नहीं होगा, इस मॉस्फेट के द्वारा होगा, तो उस मॉस्फेट को भी रखते हैं। आप पूरे कंपोनेंट्स, यूटीएल चार्जर, इन्वर्टर, बिल्डिंग मशीन या फिर एग्जूम चार्जर या हमारा खुद का जो चार्जर बन रहा है, वो उसका भी कंपोनेंट्स आपको सारा मिलेगा। आपको जो भी खरीदना है आप मुझे कॉल कीजिए, सारे जो है आपको सामान मिलेंगे, चाहे वो SMD में हो या नॉन SMD में।